नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज मित्तल, रिसर्च इनोवेशन में क्या कुछ होने वाला है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ होने वाला है रिसर्च इनोवेशन में, क्या होना चाहिए? देखो, मैं यूजीसी में काम करती हूँ एज एडिशनल सेक्रेटरी, और यूजीसी क्योंकि ऐसी बॉडी है जिसको कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए ही बनाया गया है जी। तो हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इम्प्रूव हो। हम एक क्वालिटी मैंडेट लेके आए हैं जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन 5 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए 10 इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं। और वो इनिशिएटिव्स हर फील्ड में, चाहे वो रिसर्च की फील्ड में हो, ट्रेनिंग की फील्ड में हो, टीचिंग की फील्ड में हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, मेंटरिंग के लिए हो, टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए हो, तो हर तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जी। जिस प्रकार से सीजीआर ने यह रिसर्च इनोवेशन पर ढेर सारी किताबें लिखी हैं और कॉन्फ्रेंस करने, क्या कुछ इसका लाभ होने वाला है? जब भी किसी भी एरिया में कोई कॉन्फ्रेंस होता है या कोई अच्छी बुक्स होती हैं तो उनको वो वर्क करती हैं एज ए लाइक, जितने भी लोग उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होते हैं उनको पता चलता है कि पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उनको इतनी सारी जानकारी मिलती है जिसको अपने इंस्टीट्यूशन में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज।